आज की वीडियो में मैं आपको दो हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट दिखाऊंगा जो कि अलग अलग क्लिनिक से हुए हैं और दोनों में एक ऐसी चीज कॉमन है जिससे दोनों का रिजल्ट इतना ज्यादा नेचुरल आया है। Hey guys, welcome back to this channel. कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करता हूँ बहुत ही ज़्यादा बेटर होंगे। आप इन दो हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट को देखिए। देखिए, इन दोनों ने अपना हेयर ट्रांसप्लांट लगभग 6 महीने पहले करवाया था और जिस प्राइस में इन दोनों का हेयर ट्रांसप्लांटेशन हुआ था उस प्राइस में ऐसा रिजल्ट पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं कि इस प्राइस में इतना अच्छा रिजल्ट बाकी क्लिनिक्स नहीं दे पाते, आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कुछ कॉमन पॉइंट्स का जो इन दोनों पेशेंट्स के रिजल्ट्स में है। मैं बेसिकली आपको 5 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो दोनों पेशेंट्स में फॉलो करी गई और वो चीज़ें अगर सारे पेशेंट्स में फॉलो करी जाए तो सबका रिजल्ट ऐसा ही आएगा, चाहे वो कितने रुपीज़ पर ग्राफ में भी अपना ही ट्रांसप्लांट करवाए। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले, अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हो और आप कंफ्यूज्ड हो आपको कितने ग्राफ लगेंगे, आपका ट्रांसप्लांट में खर्चा कितना आएगा, आपको ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए भी कि नहीं और आप भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो, तो आप हमारी वेबसाइट www.besthairhub.com पर विजिट कर सकते हो। वहाँ पे आपको हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप भी अपना ट्रांसप्लांटेशन 100% सक्सेसफुली करवा पाओगे, जैसे कि हज़ारों लोग करवा चुके हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहाँ पे जाके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो भाई, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इन दोनों पेशेंट का रिजल्ट आप देख रहे हो, अगर आप इनकी पूरी जर्नी देखने वाले हो तो हमने रिसेंटली इन दोनों पेशेंट की अलग अलग जर्नी डाली है अपने चैनल में, अब जाके इस वीडियो के बाद आप इनकी जर्नी पूरी देख लेना। मैं फिर भी एक शॉर्ट ओवरव्यू दे देता हूँ। देखिए, इन दोनों पेशेंट्स ने अपना ट्रांसप्लांटेशन अलग अलग क्लिनिक से करवाया था, राइट, और इनकी एज 30 से कम ही थी। दोनों पेशेंट काफ़ी ज़्यादा यंग थे। दोनों पेशेंट्स में फ्रंटल हेयर लॉस का इशू था, राइट, फ्रंटल हेयर लाइन रिसीड हो चुकी थी और जैसे कि आप देख सकते हैं फोटोज़ में, दोनों को फ्रंटल हेयर लाइन रिपेयर करवानी थी, राइट। अब अगर आप फोटोज़ में ध्यान दें तो आपको दोनों का हेयर लॉस पैटर्न है वो सिमिलर दिख रहा होगा, राइट, दोनों को फ्रंटल हेयर लॉस है। अगर मैं फोटोज़ की तरफ ध्यान दूँ तो आप दोनों पेशेंट्स में देख सकते हैं फ्रंटल हेयर लॉस दोनों पेशेंट्स को हुआ था और एग्जिस्टिंग हेयर की क्वालिटी दोनों पेशेंट्स की बहुत ज़्यादा अच्छी थी, मतलब डोनर भी अच्छा था, एग्जिस्टिंग हेयर की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी और सबसे अच्छी बात, दोनों पेशेंट्स में जो हेयर फॉल हो रहा था ना वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव नहीं था, मतलब बहुत स्टेबल हेयर फॉल था, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव हेयर फॉल नहीं हो रहा था, तो ये बहुत आइडियल पेशेंट्स थे दोनों हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाने के लिए। मैं दोबारा बता रहा हूँ, दोनों ने अपना ट्रांसप्लांटेशन डिफरेंट जगह कराया। एक ने अपना ट्रांसप्लांटेशन जयपुर में करवाया जो कि राजस्थान में है, एक ने अपना ट्रांसप्लांटेशन दिल्ली में करवाया। अब बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ जो कि है आफ्टर ट्रांसप्लांट, राइट। ट्रांसप्लांटेशन से पहले की आपने कंडीशन देखी, अगर मैं ट्रांसप्लांटेशन के बाद की कंडीशन देखता हूँ जस्ट आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांटेशन, आप अगर इन दोनों पेशेंट की आप हेयरलाइन में एक चीज़ नोटिस करोगे तो सबसे पहले अगर मैं आपको एक कॉमन पॉइंट बताऊँ, राइट, तो दोनों पेशेंट में हुआ है वो है सिंगल्स, राइट। अब सिंगल्स क्या होता है, अब जैसे कि आप अगर बहुत सारी वीडियोज़ देखते हो हेयर ट्रांसप्लांटेशन की तो आपको पता होगा कि ट्रांसप्लांटेशन में हमारे जो ग्राफ्ट्स पीछे से निकाल के आगे लगाए जाते हैं वो डिफरेंट क्वालिटी के ग्राफ्ट्स होते हैं। एक ग्राफ्ट वो होता है जिसमें सिर्फ एक बाल होता है, एक ग्राफ वो होता है जिसमें सिर्फ दो बाल होते हैं, कुछ ग्राफ्ट ऐसे भी होते हैं जिसमें दो से ज्यादा बाल होते हैं, सपोज 3 बाल, सपोज 4 बाल, राइट। सो ग्राफ्ट की जो क्वालिटीज होती है वो अलग अलग होती है और जब ग्राफ्ट का एक्सट्रैक्शन होता है तो ग्राफ्ट को सॉर्ट कर दिया जाता है कि सिंगल्स ग्राफ्ट अलग जगह रख दिए, मल्टी हेयर ग्राफ्ट अलग जगह रख दिए, ताकि जब इम्प्लांटेशन का टाइम हो तो सही ग्राफ्ट सही जगह लगाया जाए। अब सही जगह क्या होती है, ठीक है, तो उसी पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं। अगर आप इन दोनों पेशेंट की हेयरलाइन में देखो तो आपको फ्रंटल हेयरलाइन जहाँ से हेयरलाइन शुरू हो रही है वहाँ पे आपको सिंगल हेयर ग्राफ्ट दिख रहे होंगे, मतलब जो ग्राफ्ट सबसे शुरुआत में लगाए गए हैं स्टार्टिंग में वो सारे के सारे सिंगल हेयर ग्राफ्ट हैं, मतलब सारे ग्राफ्ट में सिर्फ सिंगल बाल लगाए गए हैं। अब आप बोलोगे अगर फ्रंट में सिंगल लगा दिए जाए तो उसमें तो डेंसिटी अच्छी लगेगी नहीं, देखिए ऐसा नहीं होता। हेयरलाइन स्पेशली कैसी चीज़ होती है जिसमें आप अगर किसी भी नॉर्मल इंसान की हेयरलाइन देखो वहाँ पे आपको हमेशा पतले पतले बाल ही दिखाई देंगे और इसीलिए ट्रांसप्लांटेशन के टाइम भी अगर आप एक अच्छी जगह से ट्रांसप्लांट कराओ तो आपके फ्रंटल हेयरलाइन में सिर्फ सिंगल ही लगाए जाते हैं, जैसे कि आप इन फोटोज़ में देख सकते हैं। अब इन सिंगल्स ग्राफ को लगाने का मोटिव ये होता है ताकि जब रिजल्ट आए तो हेयरलाइन बहुत ज़्यादा नेचुरल लगे। अब मैं इनकी हेयरलाइन दिखाता हूँ रिजल्ट के बाद, अब अगर आप इनकी हेयरलाइन पर नोटिस करो दोनों पेशेंट की तो देखिए इनकी हेयरलाइन में सिर्फ सिंगल हेयर फॉलिकल आपको दिख रहे हैं, या आफ्टर 6 मंथ की कंडीशन है दोनों पेशेंट की, ठीक है। अब इन पेशेंट की बात करें तो इन्होंने अपने जयपुर में हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था और पर्टिकुलरली अगर हम इनकी हेयरलाइन पे ध्यान दें तो आप इजीली देख सकते हैं सिर्फ सिंगल हेयर फॉलिकल लगाए गए हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था सर्जरी के टाइम सिर्फ सिंगल्स ही लगे थे, तो आप रिजल्ट देख सकते हैं पतले पतले हेयर फ्रंट में आए हैं और रिजल्ट कितना ज़्यादा नेचुरल लग रहा है।
वहीं अगर हम बात करें पेशेंट नंबर टू की, जिन्होंने दिल्ली से ट्रांसप्लांट करवाया था, तो इनका रिजल्ट भी आप देखिए, इनकी हेयर लाइन में अगर आप फोकस करें तो इनकी हेयर लाइन में भी आपको वही कॉमन चीज़ दिख रही होगी जो कि सिंगल हेयर फॉलिकल है। अगर आप हेयर लाइन की तरफ ध्यान दो तो आप देखिए बहुत पतले पतले बाल हैं, और बिलीव मी गाइस दिस मेक्स डिफरेंस, राइट। यही जो ग्राफ्ट होते हैं वही डिफरेंस क्रिएट करते हैं, एक नेचुरल रिजल्ट में और एक आर्टिफिशियल रिजल्ट में। आप दोनों पेशेंट में देखिए सिंगल हेयर फॉलिकल लगाए गए हैं फ्रंटल हेयर लाइन में, जिस वजह से दोनों का रिजल्ट बहुत ज़्यादा नेचुरल आया है। तो ये तो बात थी पॉइंट नंबर वन की, जो इन दोनों पेशेंट में कॉमन था, राइट। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि फ्रंट में सिंगल हेयर फॉलिकल का यूज़ होना चाहिए, आप लोग कमेंट में बताएं, आप लोग अगर हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड कंटेंट देखते हो तो आपको इतना पता होना चाहिए कि क्राउन जो एरिया होता है हमारा, मिड स्कैल्प और क्राउन, उसमें कौन से ग्राफ लगने चाहिए, या सिंगल ग्राफ लगने चाहिए, मल्टी हेयर फॉलिकल लगने चाहिए, या डबल हेयर ग्राफ लगने चाहिए। आप लोग अभी कमेंट में बताओ कि क्राउन वाले एरिया में और मिड स्कैल्प में कौन से ग्राफ्स लगने चाहिए। मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ, अभी के अभी वीडियो में कमेंट कर दीजिए जितना भी आपको पता है इस बारे में। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर टू की, जो कि इन दोनों पेशेंट में कॉमन है और वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक नेचुरल रिजल्ट के लिए, जिसे हम बोलते हैं एंगुलेशन एंड डायरेक्शन ऑफ ग्राफ्ट। अब देखिए एंगुलेशन एंड डायरेक्शन ऑफ ग्राफ्ट को समझने के लिए हम पहले ये समझते हैं, जब ग्राफ्ट को लगाया जाता है तो ग्राफ्ट के इम्प्लांटेशन के टाइम ग्राफ्ट को एक एंगल में लगाया जाता है, राइट। अब वो एंगल स्कैल्प के डिफरेंट डिफरेंट जगह में डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस में अलग अलग होते हैं, राइट। आप अगर मैं बात करूँ हेयरलाइन की, तो हेयरलाइन में एंगुलेशन ऑफ ग्राफ्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, स्पेशली हेयरलाइन और टेम्पल्स, राइट। अगर आपकी हेयरलाइन में ग्राफ्ट को सही एंगल में नहीं लगाया गया, चाहे आप सिंगल ही लगा दो, तो रिजल्ट आपका आर्टिफिशियल आता है। ऐसा नहीं है कि आपको हेयरलाइन में सिर्फ सिंगल्स लगाने और अनसन एंगुलेशन में आपने लगा दिए तो आपका रिजल्ट अच्छा आ जाएगा, नहीं। ग्राफ्ट का सिंगल होने के साथ एक और चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, उसको सही एंगल्स में लगाना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि इन दोनों पेशेंट के केसेस में हुआ है, राइट। इनके टेम्पल्स में भी सही एंगल्स में ग्राफ्ट लगे हैं एंड इनके हेयर लाइन में भी सही एंगल्स में ग्राफ्ट लगे हैं। अब इन पेशेंट की कंडीशन देखिए, दोनों पेशेंट की मैं बात करूं, तो देखिए इनका आफ्टर सर्जरी की कंडीशन में आप देखिए एंगुलेशन ऑफ ग्राफ्ट्स का अच्छे से ख्याल रखा गया, टेम्पल्स में भी प्रॉपर एंगुलेशन में ग्राफ्ट लगाए गए हैं, और इसीलिए अगर मैं दोनों पेशेंट की हेयर लाइन दिखाऊँ आपको सर्जरी के बाद, तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छी हेयर लाइन आई है। और टेम्पल्स की स्पेशली अगर हम बात करें, राइट, टेम्पल्स की तरफ हम ध्यान देते हैं, तो देखिए दोनों पेशेंट के टेम्पल्स देख के कोई भी नहीं बोल सकता कि दोनों पेशेंट ने ट्रांसप्लांटेशन करवाया, और यही ब्यूटी होती है एक नेचुरल हेयर ट्रांसप्लांट की, कि जब ट्रांसप्लांट करवाते हो आप, 6 महीने बाद आप रिजल्ट देखते हो या कोई भी आपका रिजल्ट देखता है, तो कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि आपका ट्रांसप्लांट हुआ है, राइट। आपने बहुत ऐसे रिजल्ट देखे होंगे जहाँ पे कोई भी देख के बताया था कि ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, वो पता ही इसलिए लगता है क्योंकि हेयर लाइन में या तो सिंगल्स नहीं लगे होते, या लगे भी होते हैं तो सही डायरेक्शन में नहीं लगे होते, जिस वजह से जो रिजल्ट आता है वो काफ़ी ज़्यादा आर्टिफिशियल आता है। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर थ्री की, जो इन दोनों पेशेंट में कॉमन थी, वो है टेक्निक, राइट। अब जैसे कि आप जानते हैं आज की डेट में इंडिया में बहुत सारी टेक्निक्स अवेलेबल है, राइट, लेकिन मैं दो ऐसी टेक्निक हमेशा से बोलता हूँ जो कि फंडामेंटल रही है। एक है FUT ट्रांसप्लांट, जिसमें आपकी स्ट्रिप काटी जाती है और स्ट्रिप से ग्राफ्ट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और इम्प्लांटेशन कर दिया जाता है। वहाँ पे प्लास्टिक सर्जन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जब आपका पीछे से कट लिया जाएगा तो उसमें स्टिचेस लगेगी, राइट, वहाँ पे प्लास्टिक सर्जन की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरी टेक्निक होती है, वो होती है FUE हेयर ट्रांसप्लांट, जो कि एक न्यूली इन्वेंटेड टेक्निक थी, FUT के बाद आई थी। इसमें होता क्या था कि एक एक करके ग्राफ्ट को निकाला जाता था और एक एक करके ग्राफ्ट को लगाया जाता था। इसमें दो चीज़ें होती थी, एक तो ट्रांसप्लांटेशन जल्दी हो जाता था, दूसरा आपके कटिंग नहीं होती थी इसके हेल्प में, राइट, आपके पीछे से स्किन को नहीं काटा जाता था, आपने एक एक करके ग्राफ्ट को निकाला जाता था एंड लगा दिया जाता था, राइट। इसको बोलते थे FUE हेयर ट्रांसप्लांट। अब जो मार्केट में जितनी भी नई टेक्निक्स आ रही है वो सारी मॉडर्न फॉर्म है FUE टेक्निक की, राइट, वो बहुत ज़्यादा अलग नहीं है FUE टेक्निक से। अगर आप अभी भी एक अच्छे क्लिनिक से ट्रांसप्लांट कराते हो और एक सिंपल FUE टेक्निक से भी ट्रांसप्लांट कराते हो, तो आपका रिजल्ट बहुत ज़्यादा नेचुरल आएगा। अब इन दोनों पेशेंट की बात करूँ, तो इन दोनों पेशेंट की जिस फंडामेंटल टेक्निक से ट्रांसप्लांटेशन हुआ है वो FUE हेयर ट्रांसप्लांट ही है। दोनों ने FUT टेक्निक से अपना ट्रांसप्लांट नहीं कराया, दोनों ने FUE मॉडर्नाइज टेक्निक से ही अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया है, और दोनों का ट्रांसप्लांटेशन सिर्फ सिंगल डे हुआ था, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, दोनों का रिजल्ट आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा नेचुरल है। हम ऐसा नहीं बोलते कि इंडिया में सिर्फ एक ही क्लिनिक रिजल्ट नेचुरल दे रहा है, इंडिया में बहुत सारे क्लिनिक्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा नेचुरल रिजल्ट्स डिलीवर कर रहे हैं, बस आपको फाइंड आउट करना है उन क्लिनिक्स को, राइट, आपको जाना है, कंसल्टेशन लेनी है, डॉक्टर से बात करनी है, देन फाइनलाइज करना है अपने हेयर ट्रांसप्लांट को। चौथे पॉइंट की मैं बात करूं, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बहुत सारे पेशेंट्स के लिए, वो है कॉस्टिंग, राइट। इन दोनों पेशेंट की जो कॉस्टिंग आई है ना, वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। दोनों ने अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन 18-25 रुपीज़ पर ग्राफ्ट के बीच में करवाया। अब आप बोलोगे दोनों की कॉस्टिंग तो अलग है, देखिए 15-25 रुपये पर ग्राफ्ट की जो कॉस्टिंग होती है वो एक ही रेंज कंसिडर करी जाती है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। अगर मैं बात करूँ पेशेंट की जिन्होंने जयपुर से अपना ट्रांसप्लांट कराया था, तो उन्होंने सिर्फ 18 रुपीज़ पर ग्राफ्ट में अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था। वहीं अगर दूसरी तरफ मैं बात करूं
उन पेशेंट की जिन्होंने दिल्ली से अपना ट्रांसप्लांटेशन कराया था, तो इन्होंने सिर्फ 25 रुपीज़ पर ग्राफ्ट अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया था। अब मैं रिजल्ट की बात करूँ तो दोनों के रिजल्ट आपको बहुत ज़्यादा नेचुरल लग रहे होंगे, राइट। अब आप बोलोगे कि अगर 18 रुपीज़ पर ग्राफ्ट में ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है तो हम 25 में क्यों करवाएं? देखिए, अगर आप जयपुर से हो तो आप करवाइए 18 रुपीज़ पर ग्राफ्ट में ट्रांसप्लांटेशन, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वहीं अगर आप दूसरी जगह से हो और आप ट्रैवल करके जयपुर जा रहे हो तो आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, स्टे वगैरह वो मिला के आपको थोड़ा ज़्यादा कॉस्टिंग पड़ जाती है। अगर आपको आपके सिटी में एक अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, राइट, थोड़ी ज़्यादा कॉस्टिंग में, तो आपको वहीं पर ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है रिजल्ट, जो कि आपको मिलना चाहिए, राइट। अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो मैं तो बोलता हूँ दूसरी कंट्री में जाकर ट्रांसप्लांट कराओ। लेकिन कभी भी आप कॉम्प्रोमाइज मत करिए अपने रिजल्ट में जस्ट बिकॉज आपको अपने घर के बगल में क्लिनिक मिल रहा है और आप ट्रांसप्लांटेशन करवा रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। यू नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि आप लाइफ में सिर्फ एक बार ट्रांसप्लांट कराओ और अच्छे से ट्रांसप्लांटेशन कराओ, ताकि चाहे आपको ट्रैवल करके भी जाना पड़े कहीं, राइट। अगर सपोज दिल्ली वाले पेशेंट हैं, इन्होंने अपना 25 रुपीज़ पर ग्राफ्ट में ट्रांसप्लांटेशन कराया था, अगर ये ट्रैवल करके कहीं और जाते तो हो सकता है इनका एक्सपेंसिस थोड़ा ज़्यादा हो जाता, राइट। अगर इनको दिल्ली में इतना अच्छा रिजल्ट मिला 25 रुपीज़ पर ग्राफ्ट में, तो इनके लिए तो ये एट लास्ट प्रॉफिटेबल ही रहा, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट बात थी रिजल्ट, जो कि इनको आप देख सकते हैं कितना अच्छा मिला है। तो इन दोनों पेशेंट में जो चीज़ कॉमन थी वो कॉस्टिंग भी थी, दोनों की कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा कॉमन थी। गाइज, अगर हम बात करूँ पॉइंट नंबर 5 की, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दोनों पेशेंट्स में कॉमन है, वो है नॉन एग्रेसिव हेयर लाइन। गाइज, आजकल इंडिया में ट्रेंड आ चुका है, जितने भी यंगस्टर पेशेंट्स होते हैं जो ट्रांसप्लांटेशन करवाने का डिसीजन लेते हैं या फिर ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहते हैं, उनके एक अंदर एक डिज़ायर होता है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हेयर लाइन का। हमें ऐसे लोग कॉन्टैक्ट करते हैं जो अपनी हेयर लाइन 3 सेंटीमीटर में करवाना चाहते हैं। आप सोचिए, 3 सेंटीमीटर में अगर हेयर लाइन बना दी जाए तो हो सकता है उनको इमेजिनेशन में बहुत अच्छी लग रही होती है, राइट। लेकिन जब उनका रिजल्ट आता है वो इतना ज़्यादा आर्टिफिशियल आता है, दे गेट डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ द हेयर लाइन, राइट। मतलब वो इतना ज़्यादा अननेचुरल लगता है। आप सपोज खुद ही सोचो, 3-4 सेंटीमीटर में अगर आपकी हेयर लाइन बना दी जाए तो आपका फोरहेड एक तो बहुत ज़्यादा छोटा लगेगा और आपकी फेशियल सिमेट्री जो होगी ना वो बिगड़ जाएगी, लिटरली फेशियल सिमेट्री ही बिगड़ जाती है, राइट। देखिए, अगर आप किसी भी सर्जन पर ट्रांसप्लांटेशन करवाते हो, वो कभी आपकी ओवर एग्रेसिव हेयर लाइन नहीं बनाएंगे या फिर आपकी बहुत ज़्यादा ऊपर हेयर लाइन नहीं बनाएंगे। आपकी हेयर लाइन आपके फेशियल स्ट्रक्चर के हिसाब से डिज़ाइन करी जाती है और वही एक आर्ट है हेयर ट्रांसप्लांटेशन की। वही ब्यूटी होती है एक नेचुरल हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट कि आपकी जो हेयर लाइन हो वो आपके फेशियल स्ट्रक्चर को एनहेंस करे, आपकी फेशियल अपीयरेंस को एनहेंस करे, राइट। अगर आप ओवर एग्रेसिव हेयर लाइन बना देते हो ना तो आपका फेशियल सिमेट्री पूरी बिगड़ जाती है और आपका रिजल्ट बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल लगता है। और ट्रस्ट मी, आप रिग्रेट करोगे अपना ट्रांसप्लांटेशन को लेके जब आपका रिजल्ट आ जाएगा। लोग पॉइंट आउट करने लगेंगे आपको कि पहले तो आपकी हेयर लाइन ऐसी नहीं थी, आपका फेशियल स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया है। और ट्रस्ट में, अगर आप अपनी पुरानी फोटोज़ को देखोगे तो आप बहुत रिग्रेट करने वाले हो। अब इन दोनों पेशेंट की बात करूँ तो दोनों पेशेंट की जो हेयर लाइन थी वो ओवर एग्रेसिव नहीं थी। आप देख सकते हैं इनके फेशियल स्ट्रक्चर को देख के हेयर लाइन बनाई गई है। दोनों की हेयर लाइन ना तो ज़्यादा ऊपर है ना बहुत ज़्यादा नीचे है, एज ग्रुप और फेशियल स्ट्रक्चर को देख के बनाई गई, और इसी वजह से इनका जो रिजल्ट आया वो बहुत ज़्यादा नेचुरल आया। ट्रस्ट मी गाइस, अगर आपको ऐसा रिजल्ट मिले एक अफोर्डेबल प्राइस में, कौन नहीं ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहेगा। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आप ऐसा कॉन्टेंट और देखना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, एंड अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में हम बहुत सारी ऐसी वीडियोस लाने वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फ़ोन में पहुंच जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज़।